हेलो सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज के वीडियो में आपको मैं एक लो एंड पीसी एमुलेटर देने वाला हूं जिसमें आप फ्री फायर को इजीली खेल सकते हैं और कोई भी गेम हो इजीली खेल सकोगे। पबजी के अलावा गाइस पबजी थोड़ी हैवी गेम है लेकिन फ्री फायर को आप इजीली खेल सकते हो और इस एमुलेटर को 2GB रैम रिक्वायर्ड है एंड 2 कोर्स पीसी पे इजीली रन हो जाएगा। सो आज के वीडियो में हम फ्री फायर को इसमें इंस्टॉल करेंगे एंड प्ले करेंगे एंड इसकी कुछ सेटिंग्स भी होंगी जो आपको मैं बता दूंगा। इस एमुलेटर की वो सेटिंग्स आप अप्लाई कर लेना तो आपको काफी बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। सो इस एमुलेटर को कैसे डाउनलोड करना है एंड अपने पीसी में कैसे कम्प्लीटली इंस्टॉल करना है एंड फ्री फायर को कैसे इसमें इंस्टॉल करेंगे तो इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीटली बताने वाला हूं। सो बिना टाइम जाए किए लेट्स गो टू द वीडियो। इट्स ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी। ओके सो गाइस मैं अपने डेस्कटॉप पर आ चुका हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक फोल्डर है, इसके अंदर मेरे पास 3 फाइल्स हैं। सो इन तीनों फाइल्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो कुछ ऐसे लिंक्स आपको मिलेंगे तो इन लिंक्स से कैसे डाउनलोड करना है इन फाइल्स को तो आपको सबसे पहले बता देता हूं। ये हमारा मोमो प्लेयर एमुलेटर है एंड ये हमारी फ्री फायर की एपीके फाइल है। हम फ्री फायर को सिंपली इस फाइल से इस एमुलेटर के अंदर इंस्टॉल कर देंगे। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता होगा क्या तरीका है। सो इस पर राइट क्लिक करके दिखा देता हूँ प्रॉपर्टीज एंड ये आप देख सकते हैं 253 MB का ओनली ये एमुलेटर है। बहुत ही लाइट वर्जन है इसका एंड सिंपली फ्री फायर को इसमें शो कर लेंगे। सो आप कैसे इन फाइल्स को डाउन कर सकते हो तो ये लिंक्स आप तो लिंक पे क्लिक करना। जैसे ही गाइस आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आप कुछ ऐसी वेबसाइट पर आ जाओगे। तो गाइस यहाँ पर आपने करना क्या है, यहाँ पर सिंपली ऐड आएगा आपके सामने तो इसको आपने क्लोज कर देना यहाँ से एंड यहाँ पे टाइमर छोटा सा टाइमर चल रहा होगा। सिंपली यहाँ पे वेट करना है आपने एंड आपको एक बटन मिलेगा यहाँ पर नेक्स्ट का बटन। ओके गाइस तो जैसे ही टाइमर खत्म होगा ये नेक्स्ट का बटन इनेबल हो जाएगा, इसको आपने क्लिक करना है। नीचे भी यहाँ पे एक बटन आएगा तो उसको भी आपने क्लिक कर देना है। क्लोज पे क्लिक करें गाइस, जो भी ऐड आएगा उसको आप क्लोज करते जाना। यहाँ से भी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ एंड दोबारा से एक टाइम में चलेगा। तो जैसे टाइम में खत्म होगा दोबारा से बटन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है एंड सिंपली यहाँ पे भी क्लिक कर देना है। सो छोटा सा तरीका गाइस इसका, तो यहाँ पर आपने रिकैप्चा सॉल्व कर लेना है। जो भी न्यू टैब आएगा गाइस आप देखा मैंने क्लिक किया न्यू टैब था क्रॉस कर दिया। सो अब दोबारा मैं यहाँ पे बाईसाइकिल को सिलेक्ट करता हूँ एंड वेरीफाई करता हूँ, क्लिक हियर टू कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा न्यू टैब आएगा गाइस क्रॉस कर देना है। जो भी न्यू टैब आएगा क्रॉस कर देना है, सिंपल सी एक ट्रिक है एंड इसके खत्म होने के बाद नीचे आए तो यहाँ पर हमने क्लिक करना है इस गेट लिंक के बटन पर तो दोबारा से न्यू टैब आएगा। सो जो भी न्यू टैब आ रहा है उसको आप क्रॉस करते जाना, ये सिंपल सी आपको ट्रिक है एंड आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी फाइल आ चुकी है मोमो प्लेयर 253 MB का साइज है। फ्री डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, न्यू टैब आया क्रॉस कर देंगे तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर कैप्चा दोबारा से आएगा एक, तो यहाँ पर क्रिएट डाउनलोड लिंक पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ से डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। तो एक तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखना गाइस जब ये वाला पेज रीलोड हो तब ये डाउनलोड स्टार्ट होगी। तो देखो गाइस ये पेज रीलोड हुआ था एंड ये डाउनलोड स्टार्ट। सो सिंपल सा तरीका है, जो न्यू टैब आएगा क्रॉस करते जाना एंड ये फर्स्ट पेज रीलोड होता जाएगा और आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे और आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। सो इस तरह आप ये फाइल्स डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरे पास ये तीनों फाइल्स यहाँ पर पड़ी हुई है। सेम तरीका गाइस बाकी लिंक्स का है, तो आप दूसरी फाइल्स भी ऐसे ही डाउनलोड कर सकते हो। आपने करना है सिंपली गाइस आपने इसको एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक कर देना है एंड आपके पास exe फाइल आ जाएगी सिमुलेटर की। तो इसको यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ एंड कुछ लैंग्वेज की इस तरह की होगी उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको मैं बता दूंगा क्या करना है। सो यहाँ पर हमने ये कस्टमाइज का बटन है, इसको आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप ब्राउज कर सकते हो, जहाँ मर्जी इंस्टॉल करना चाहते हो कर सकते हो। मैं इसको दिस पीसी में डी के अंदर इंस्टॉल कर लूंगा, एक न्यू फोल्डर बना के ओके कर दूंगा। सो न्यू फोल्डर के अंदर ये मोमो एमुलेटर इंस्टॉल हो जाएगा। सिंपली आप ये वाले ब्लू बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड बेल को प्रेस करके ऑल पे जरूर करना ताकि इस तरह लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे एंड एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर कर देना। तो जल्दी से ये हमारा मीटर इंस्टॉल हो चुका है, तो आप इस बटन को क्लिक करके सिंपली इसको रन कर सकते हो। सो गाइस ये हमारा एमुलेटर इंस्टॉल होके ओपन हो चुका है। सो ये एलडी प्लेयर का एक प्रोजेक्ट है, आप देख सकते हो ऊपर एलडी प्लेयर लिखा हुआ आ रहा है। तो गाइस सबसे पहले इसकी हम लैंग्वेज देख लेते हैं, इसकी लैंग्वेज हम चेंज कैसे करेंगे। तो आपने सिंपली यहाँ पर आना है सेकंड वाला ऑप्शन जो इसको हमने क्लिक करना है, ये सेटिंग्स का ऑप्शन है एंड यहाँ पर भी आपने सेकंड वाले ऐप पर आना है एंड यहाँ पर आपको एंड पर ये वाला ड्रॉप डाउन मिलेगा, उसको हमने क्लिक करके इंग्लिश पे सिलेक्ट कर देना है एंड यहाँ से सेव कर लेना है एंड इस पर क्लिक करके रिस्टार्ट कर लेना। तो गाइस आपके एमुलेटर की लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुकी है, तो सिंपल सी ये काम करना था तो आपकी लैंग्वेज कन्वर्ट हो जाएगी। सो अब आप इजीली सब कुछ दे सकते हो। तो अगर आपका बहुत ज़्यादा लो एंड पीसी है, मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ आप लोएस्ट जो रेजोल्यूशन है उसको आप चूज़ करें। टैबलेट वाले मोड में लोएस्ट रेजोल्यूशन को चूज़ कर लेना। 2 कोर्स की रिकमेंडेड है एंड 2 GB रैम रिकमेंडेड है, मैं यही रहने देता हूँ। एंड बेसिक्स में आते हैं तो इसमें भी कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टीज़ एंड नेटवर्क एंड शॉर्टकट्स एंड गेम्स कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है गाइस। सो अब मैं सिंपली सेव करूँगा एंड एक बार दोबारा से रिस्टार्ट कर लूँगा क्योंकि हमने इसकी रेजोल्यूशन चेंज की थी।
सो गाइस यहाँ पर हमारा एमुलेटर फाइनली सेटअप हो चुका है। आपको मैंने सेटिंग भी बता दी है, वो भी आपने अप्लाई कर लेनी है। सो प्ले स्टोर से आप फ्री फायर डाउनलोड कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन मैं इसको सिंपली, मेरे पास अगर एपीके फाइल है तो मैं उसी से इंस्टॉल करूंगा। तो ये हमारे पास एपीके फाइल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जैसे आपको मैंने पहले बताया। तो इसको भी आपने सिंपली एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना है, तो आपके पास एक फाइल आ जाएगी फ्री फायर OB43 ये वाली। सो इसको हमने इसमें इंस्टॉल कर लेना। कैसे इंस्टॉल करना है, एमुलेटर को ओपन करो, यहाँ पर एपीके का ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, इसको हमने क्लिक करना है। डेस्कटॉप पे गाइस मेरे पास जो न्यू फोल्डर है वहाँ पर मेरे पास ये फाइल मैंने एक्सट्रैक्ट की थी, इसको मैं सिलेक्ट करके ओपन करता हूँ। एंड आपकी एपीके फाइल दी नीचे आप देख सकते हो, नोटिफिकेशन आ चुके हैं यहाँ पर, अभी एपीके फाइल आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी फ्री फायर जो है फाइनली इंस्टॉल हो चुकी है। एक मिनट का टाइम भी नहीं लगा और सिंपली एपीके फाइल से हमने इंस्टॉल कर ली है। तो पहले मैं फ्री फायर को ओपन करता हूँ। तो किसी छोटा सा एट एम बी का छोटा सा अपडेट है, तो जब तक ये कम्प्लीट हो रहा है तब तक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, दोबारा से कह रहा हूँ। सो गाइस यहाँ पर हमारी फ्री फायर फाइनली ओपन हो चुकी है। कोई भी स्टक या ब्लैक स्क्रीन या ब्लू स्क्रीन जो भी है गाइस, कोई भी एरर नहीं आता है सिमुलेटर में। तो गाइस इस सिमुलेटर में आपको गूगल अकाउंट लॉग इन नहीं मिलता, यहाँ पर ओनली फेसबुक अकाउंट अवेलेबल है। तो सिंपली साइन इन विद फेसबुक पे क्लिक करना, आपके सामने एक एरर आएगा गाइस, एरर आ जाएगा आपको। मैंने इसलिए ये फेसबुक की फाइल प्रोवाइड की है, क्यों, यहाँ पर ये आप देख सकते हो फेसबुक की फाइल भी है, मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो जैसे मैंने बताया। तो ये मैंने क्यों प्रोवाइड की थी अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमारे पास एरर आ चुका है, लॉगिन नहीं होगी ऐसे फेसबुक हमारी। तो मैं सिंपली इसको बंद करता हूँ एंड एपीके फाइल पर क्लिक करके आपने फेसबुक को भी इस सिमुलेटर में इंस्टॉल कर देना है। तो ये हमारी फेसबुक भी इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब मैं दोबारा से फ्री फायर को ओपन करता हूँ एंड आपको मैं बताता हूँ कि फेसबुक से अकाउंट लॉगिन कैसे करना है। बस ये छोटा सा काम करना था कि एक्सटर्नल फेसबुक एपीके फाइल हमने इंस्टॉल करनी थी और हमारा अकाउंट अब लॉगिन हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं दोबारा से गेम के अंदर आ चुका हूँ, तो साइन इन विद फेसबुक पे क्लिक करता हूँ। अब ये हमारा फेसबुक के ऐप के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा। सो अब आप यहाँ पे अपना ईमेल अकाउंट लगा सकते हो एंड पासवर्ड लगा सकते हो, सिंपली लॉगिन कर सकते हो फेसबुक अकाउंट से। तो मैं जल्दी से एक गेस्ट अकाउंट बनाकर आपको लॉगिन करके प्ले करके रन करके दिखा देता हूँ गेम, तो आपके कोई भी क्वेश्चन आ रहे दिमाग में कि ये गेम रन होती भी है कि नहीं। सो गाइस यहाँ पे मैं गेम को ओपन करके आ चुका हूँ। सो अब मैं यहाँ पे आपको सेटिंग्स में दिखाता हूँ कि आपने क्या करना है। तो आपको मैं हमेशा कहता हूँ डिस्प्ले में आकर आपने स्मूथ एंड नॉर्मल पे एफपीएस को कर देना है, ताकि आपके लो एंड पीसी में लैग ज़्यादा फील ना हो एंड बाकी आप कंट्रोल्स वगैरह जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो अब हम कस्टमर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रीसेट 1 को हम चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप क्लिक करके अपनी की मैपिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपको खुद इंस्टॉल करनी पड़ेगी की मैपिंग इसके अंदर। तो इस बटन से आप शूटिंग वाला बटन अप्लाई कर सकते हो एंड ये मूव कंट्रोल है WSAD, इससे गाइस आपका माउस लॉक अनलॉक होगा। तो यहाँ पर कंट्रोल बटन मैं लगा देता हूँ, कंट्रोल से लॉक अनलॉक होगा एंड सिंपल टच से आप जो भी बटन लगाना चाहते हो जहाँ पर वो लगा सकते हो। तो मैं सेटिंग्स कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ एंड यहाँ से मैं एग्जिट कर दूंगा एंड आपको गेम प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं गेम के अंदर आ चुका हूँ, गन को मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड माउस को कैसे लॉक करना है, कंट्रोल वाला बटन जैसे आपको मैंने बताया। तो इस तरह माउस को लॉक अनलॉक कर सकते हो कंट्रोल वाले बटन से, आप देख सकते हो माउस लॉक अनलॉक हो रहा है एंड इसकी सेंसिटिविटी काफी ज्यादा तेज, देखोगे 6 सेंसिटिविटी है। मैं इसको कम कर देता हूँ एंड जैसे हम इसको सेव कर लेंगे एंड जूम वाले बटन पे हमें कोई बटन लगाना पड़ेगा, वो मैं लगाना भूल गया। तो यहाँ पर मैं क्यू यहीं पर, सॉरी गाइस क्यू नहीं है तो ई लगा देता हूँ, सेव। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी गेम प्ले कितनी स्मूथली रन हो रही है, कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिला एंड माउस मूवमेंट भी काफी अच्छी काम कर रही है एंड बटन्स कम्प्लीटली वर्क कर रहे हैं। तो जैसे आपको मैंने सेटिंग बताई है वो आप कर सकते हो और अपने लो एंड पीसी पे गेम को एंजॉय कर सकते हो। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करके ऑल पे कर देना। सो बस फिर चलता मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।